निकल आओ, मैंने देख लिया हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ब्लॉग भी देखा कीजिए, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ब्लॉग भी देखा कीजिए। फेमस हम भी होना चाहते हैं फ्रेंड्स, फेमस हम भी होना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप बस एक मौका तो दीजिए। कैसी लगी हमारी ये शायरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने स्पेशली आप सभी के लिए ये बनाया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बरेली मार्केट घूमने के लिए। रूही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इसे मोमोज खाना है और पानी पूरी। बरेली का जो फेमस मोमोज है मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, राजेंद्र नगर में वो है बरेली का बहुत ही फेमस। बरेली से जुड़े हर चीज़ की जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए वीडियो में ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर जानकारी मिल पाए कि कहाँ पे क्या है बरेली में, ताकि अगर आप बरेली घूमने आए तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग की निकल चुकी है सवारी, ये देख सकते हैं रूही इतनी मस्ती कर रही है, बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा है क्योंकि वो दो तीन दिन से मुझे लगातार बोल रही थी कि मुझे मोमोज़ खाना है, मोमोज़ खाना है। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। सफ़र काफ़ी लंबा है, कम से कम आधे घंटे की, तो अब रूही को लग गई है भूख, तो वो अभी जेली खा रही है और कुछ मैंने लाया भी था पर्स में ताकि अभी छोटी है बहुत ज़्यादा तो कभी कभी भूख लग जाती है रास्ते में। अब मैं आ गई हूँ राजेंद्र नगर मार्केट, तो ये देखिए ढेर सारी कलेक्शन है राखियाँ की, तो आपको इसमें से कौन सी राखी ज़्यादा पसंद आई ज़रूर बताइएगा। मैंने ये पसंद किया है क्योंकि इसमें रुद्राक्ष का कुछ बना हुआ है डिज़ाइन और रुद्राक्ष मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने रुद्राक्ष वाली राखी ली है। और चलते चलते मुझे ये दिखा टॉप वाली शॉप जो आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, वहाँ पर अलग अलग कलेक्शन फिर से आए हैं, तो फिर मैं देखने लगी, ली नहीं हूँ, बस भैया बोल रहे थे थोड़ा देख लीजिए नया नया कलेक्शन आया है दिल्ली से, तो बस मैंने थोड़ा सा कलेक्शन देख लिया। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ग्रीन वाली दोनों। अब चलते चलते आ गए हम दुपट्टे के शॉप पे। यहाँ पे वैसे सब कुछ मिल जाएंगे आपको, साड़ी से लेके सूट तक हर चीज़। राजेंद्र नगर में ही है ये मार्केट, बहुत ही फेमस है, बहुत सालों से है ये, जैसे कि भैया बता रहे थे। मैंने ये दुपट्टा लिया है स्काई कलर की, मुझे बहुत दिन से चाहिए था लेकिन उस टाइप का कुछ मिल नहीं रहा था। ये मुझे पड़ा है 170 और भैया बता रहे थे कि फिक्स रेट है, तो फिर मैंने मोलजोल भी करना ठीक नहीं समझा। और दुपट्टा सबका कलेक्शन तो बहुत ही अच्छा था, मन किया दो चार और उठा लूँ लेकिन फिर मैंने बस स्काई ब्लू ही लिया क्योंकि वो मुझे चाहिए था, बहुत दिन से सोच रही थी स्काई ब्लू लूँ। वो पीच कलर की है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा उस टाइप का सूट है मेरे पास, अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो लूँगी। दुपट्टा का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, स्टॉल भी था वहाँ पे, नाइटी और कॉटन का जो साड़ी आता है वो, और फैब्रिक माता रानी का जो साड़ी बनता है, जो ड्रेस बनता है फैब्रिक से, वो फैब्रिक सब भी बहुत सारे थे। ये देखिए दुपट्टा मैंने निकलवाए हैं भैया से, ये ग्रीन वाली मुझे अच्छी लगी लेकिन फैब्रिक कुछ अच्छा नहीं था तो फिर मैंने नहीं लिया। अब चलते चलते रूही को लग गई है भूख और उसने बोला जो अभी मोमोज़ नहीं खाना है, पहले जूस पीना, तो बस इसको मैं अभी अनार का जूस पिलाने लाई हूँ यहाँ पे। बच्चे इतने चंचल होते हैं ना कि वो सबका मन मोह लेते हैं। जूस वाले भैया से रूही इतनी सारी बातें करने लगी कि वो जूस में नमक डालना ही भूल गए ऐसे होता है रूही के साथ, जब भी आप बात करो तो भूल जाओगे कि आप क्या करने आए हो और क्या करना चाहते हो। ये देखिए उसकी बातें भी जारी है, गाना भी जारी है, वो नहीं समझती है कि अब कहाँ आए हैं, अभी इतनी एज नहीं हुई है उसकी जो ये समझ पाए कि कहाँ आए हैं, किससे बातें कर रहे हैं, जहाँ है वहीं पे शुरू हो जाती है। उसको बहुत ही ज़्यादा फ्रूट्स का जूस पसंद है, तो जब भी मैं मार्केट आती हूँ उसको चाहिए ही चाहिए।
हम न पाए ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए अभी भी माइंड में कुछ चल रहा है लेकिन वो बता नहीं रही है। जब उसका पूरा फिनिश हो जाएगा फिर वो बताएगी कि क्या माइंड में चल रहा है। बस ये देखिए, ये है पंडित जी फ्रूट्स करके इनका शॉप का नाम है और सारे पे प्राइस लिखा हुआ है कि कौन सी जूस कितने की है। अब रूही को लग गई है भूख और मैं आई हूँ रेस्टोरेंट है एक छोटा सा शेरे पंजाब इसका नाम है, राजेंद्र नगर में ही है, रोड साइड में ही आपको मिल जाएगी। ये देखिए नीचे में यहाँ नॉन वेज और वेज दोनों बनता है, नीचे में ये बन रहा है और मैं तो अभी इसको पैक कराऊंगी घर पे खाऊंगी ले जाके। ये देखिए शेरे पंजाब करके है। तो अगर आप बरेली रहते हो या फिर बरेली घूमने आने वाले हो तो ज़रूर यहाँ पे एक बार आइएगा, बहुत ही टेस्टी फूड रहता है। अब हम लोग आ गए हैं पांच मटके वाली पानी पूरी वाले भैया के पास। ये बहुत ही फेमस है बरेली का, हम लोग कभी भी मिस नहीं करते अगर मार्केट आए तो, बिल्कुल भी आप लोग भी मिस नहीं कीजिएगा। रूही को बहुत ही पसंद है, उसमें फ्लेवर रहता है, पांच मटके में पांच फ्लेवर रहता है, अमरूद, हींग, पुदीने, ऐसे करके पांच मटके में पांच फ्लेवर रहता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। बस अब हम लोग की बस निकल चुकी है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर। मोमोज हम लोग अब खाने वाले, आप लोग भी खाइए, खिलाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।